सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया, बवाल ललन टॉप एकदम झकास में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो हाले डिविजन एक्स 440 पे होने वाला है, जो कि हम अभी पाटलिपुत्र हीरो में अवेलेबल है, जो मतलब आया हुआ है, पूरा स्टॉक में है भाई बाइक। ये आपका हाले डिविजन का टॉप मॉडल हो जाता है, इधर आपका स्टार्टिंग मॉडल हो जाता है, ये हो जाता है मिड मॉडल। तो आपको तीनों मॉडल यहाँ पे मिल जाता है, जो कि तीनों वेरियंट है इसका। तो हाले डिविजन का एक्सक्लूसिव यहाँ पे है, यह हुआ देख सकते हैं। तो ये हीरो के साथ टाई अप था, तो ये यहाँ पे हम अवेलेबल हैं। और ये शोरूम कहाँ पे पड़ता है, तो आपका ये शोरूम पड़ता है आपका सगुना मोड़ के से ठीक खगौल जाने वाले रोड के बीच में, मतलब पेट्रोल पंप से पहले पड़ता है यार। तो बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे, और भाई दिखाएं तुमको सिनेमैटिक शॉट दिखाएंगे भाई, पागल हो जाओगे। बहुत अच्छा मतलब कि शोरूम मतलब बना रखा इन्होंने, इनका तीन चार आउटलेट है, तो तीन चार आउटलेट का भी है, तो उस पर भी जाके हम बना देंगे, चार टोटल आउटलेट हो गया इसको मिला करके। तो बोर्डिंग रोड में भी अभी एक नया खुलने वाला है, सिनेमा में आया, तो जितना भी है भाई ये देखो, एक लुक ले लो, ऐसे सिनेमैटिक तो लुक देंगे भाई। देखो कितना सारा बाइक्स है और इन सब में हाल ले स्टैंड आउट करता है भाई, स्टैंड आउट। तो चलो, सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कौन कौन से मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी और एड्रेस वगैरह, प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो उस पर आप सब कुछ पे क्लिक करके मतलब डिस्क्रिप्शन पे जाकर सब कुछ पढ़ लीजिएगा। तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की, तो इसका लुक देखो यार, मतलब रेट्रो स्टाइलिंग का लुक दिया है, पूरा रोडस्टर टाइप का। सो इसका लुक देखो क्या मस्त लुक है। इस सेकंड इसका हेडलैम्प दिखा के बताता, ऑल एलईडी सेटअप दिया है, लेफ्ट साइड राइट का इंडिकेटर आपको पूरा ये राउंड में मिल जाता, सर्कुलर मिल जाता है आपको, यहाँ का जितना जो हेडलैम्प है वो भी आपको सर्कुलर मिल जाता है, बीच में हार्ले डेविडसन का आपको इनग्रेव्ड मिलता है। देखिए एक सेकेंड, हाँ हार्ले डेविडसन बीच में लिखा हुआ है, और ये आपका हो गया DRS, LED DRS इसमें आपको मिल जाता है। और बैक साइड में दिखा देते हैं आपको, तो ये इसका बैक साइड का टेल सेक्शन है, ये देख सकते हैं क्या मस्त बना है, पूरा इसमें आपको बॉक्सी लुक दिया है, मतलब इसमें भी सर्कुलर दिया है, और मतलब लगता है यार क्लासी टाइप फील देता है। और पीछे देख सकते ग्रैब टेल्स यहाँ पे दिया गया है, और ये पूरा लोहा है, ये पूरा लोहा बनाया है भाई, और अच्छा है। सीट का बात करें तो सीट का क्वालिटी दिखा देते हैं भाई, सॉफ्टनेस है, प्रीमियम लगता है, फील होता है। और ये जो आपको टैंक मिल जाता है, ये थोड़ा बॉक्सी लुक देता है, जो कि 13.5 लीटर का है, देख सकते हो। और आगे का दिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल, क्या मस्त लग, 5 इंच का TFT कंसोल आपको दिया है, क्या बढ़िया लग रहा है यार, बवाल मास्टरपीस मतलब बनाता है। हार्ले का बाइक है भाई, और ये जो है ना आपको XR 1200 है ना, उसकी तरह थोड़ा सा आपको लगेगा, मतलब आप इसको देखिएगा तो XR 1200 जो है उसकी तरह इसको फील दिया है, देखिए क्या मस्त लग रहा है। और आपको सारा लुक दिखा ही दिया आपको इसका, अभी सिनेमैटिक शॉट्स चला देते हैं, फिर बात करते हैं इंजन वगैरह का। ओके तो भाई, अब अगर बात किया जाए इसके इंजन का, तो इसका इंजन जो कि आपको को मिल रहा है 440cc का आपको इंजन मिल रहा है, जिसमें कि आपको मतलब अगर पावर फिगर्स की बात की जाए, इसमें आपको कितना पावर मिला 400cc ये इंजन का, और इसका इंजन कौन सा है ये भी तो बताना पड़ेगा। इसका जो इंजन है वो आपको 440cc का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड मिलता है, जो कि आपको तकरीबन 28 BHP का पावर देता है एट द पीक परफॉर्मेंस ऑफ 6000 RPM, मतलब 6000 RPM पे आप गाड़ी को ले गए आपको पीक परफॉर्मेंस मिल गया। और अगर इसके के टॉर्क की बात की जाए, तो टॉर्क भाई गजब का बम्पी लगता है, मतलब इसमें जो टॉर्क दिया गया है वो 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है, जो कि एट द 4000 आपको मिल जाता है, 4000 पर जाइएगा आपको फुल टॉर्क मिल जाएगा, और 2000 RPM तक तो इसको 90% अचीव कर देता है, कंपनी क्लेम करती है। और इसका राइड रिव्यू भी जल्द ही वीडियो पे डालने वाला हूं, तो ये देखिएगा जरूर, इसका मजा आया भाई। और इसके साथ साथ आप इसका गियरिंग का बात करते हैं, चलिए। तो भाई अब अगर बात किया जाए इसके गियर का, कि आप भाई गियर का क्या सिस्टम है,
तो भाई गियर में इसको आप में, मतलब गियर में जो आपको मिल रहा है इसमें हार्ले डेविडसन X440 में, तो आपको गियरिंग मिल जाता है इसमें 6 गियर मिल जाता है विद द स्लिपर एंड असिस्ट क्लच के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा है। और प्लस इसमें साथ ही साथ वो तो ब्रेक्स का बात करेंगे, इसमें बहुत सारा फीचर्स भी अभी और उसके बारे में भी बात करेंगे। तो गियर काफी अच्छा है और हाँ साइड इंडिकेटर मिलता है, मतलब साइड स्टैंड सेंसर मिलता है आपको वो, जिसके कारण अगर साइड का स्टैंड लगा रहेगा तो फिर आपका वो नहीं चालू होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। तो भाई है इसमें काफी अच्छा फीचर है और वो हम अभी आपको और आगे बताते हैं। और इसमें हाँ एक फीचर हमको यूनिक लगा है, ये एक SOS सिस्टम है, ये देखिए ये एक SOS सिस्टम है जो कि इसको दबाने से शायद आपके जो लोकल्स मतलब जान पहचान के लोग हैं उन तक शायद कुछ मैसेज चल रहा, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे और बाकी सब आगे बताते हैं आपको। तो भाई अब अगर इसके टायर्स की बात की जाए तो आपको जो आगे मिल जाता है 190 सेक्शन का 18 इंच का टायर आप आगे मिल जाता है, जो कि MRF का है, जैपर भाई बहुत बढ़िया मतलब कि ये टायर है। और अगर पीछे का बात किया जाए रेयर में तो आपको 17 इंच का बैक में आपको टायर मिल जाता है, जो कि आपका 114x17 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो 140x17 का आपको टायर मिल जाता है पीछे 17 इंच का। विद अगर ब्रेक का बात करें तो बैक में आपको मिल जाता है ये डिस्क ब्रेक 240mm का, और आगे आपको जो डिस्क ब्रेक मिल जाता है वो आपको मिल जाता है 320mm का, आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद द ड्यूल चैनल ABS, आगे पीछे आपको दोनों में ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, जिसमें कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, ये बहुत ही अच्छा है। और भाई ये टॉप मॉडल है, इसका जो एक्सोरूम प्राइस है वो 279,000 है, वो हो गया आपका बेस वेरिएंट जिसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलता है। और इसमें सबसे बड़ा बात है मतलब इसके व्हील्स में जो डायमंड का शेप का मिलता है जो कि अलॉय व्हील्स है, और यही आप उसमें देख लीजिए, उसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलता है जो कि आपका बेस वेरिएंट हो गया, जो कि आपका 239,500 तक से स्टार्ट होता है। तो कुछ पेमेंट आप बढ़ाइएगा तो आपको बहुत ही प्रीमियम लुकिंग में मिल जाएगा डायमंड शेप में आपको अलॉय व्हील्स। तो भाई सब कुछ का बात हो गया, बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल का, क्योंकि इसमें बहुत सारा फीचर्स है। हार्ले डेविडसन, तो भाई अभी ये न्यूट्रल में है तो आपको इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये टैकोमीटर मिल जा रहा है जो कि 8000 RPM तक जाता है, इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको टाइम देखने को मिल जाता है, इसमें गियर पोजिशनिंग मिल जाता है, ओडोमीटर में आपको मिल जाता है, और भी इसमें काफी चीज है। इसमें आपको ट्रिप मिल जाता है, कितना टाइम में आपने कवर किया वो ट्रिप वो ट्रैक, उसके बाद आपको ट्रिप वन, फिर उसके बाद RTMI मिल जाता है, फिर रेंज मिल जाता है आपको कितना रेंज अभी बाइक में वो भी मिल जाता है, और ये RTMI रियल माइलेज टेस्ट है, रियल टाइम माइलेज है सॉरी। और इसमें डेट आपको मिल जाता है कौन सा आज का डेट चला है, फिर सर्विस ड्यू कब का है, मतलब कितना किलोमीटर पे आपको सर्विस ड्यू करवाना है वो है, फिर वापस हम लोग इस पे आ जाते हैं। एवरेज स्पीड इसमें मिल जाता है, एवरेज फ्यूल मिल जाता है, ये तो बाकी सब तो हम बता ही दिए हैं, इस पे तो कुछ खास नहीं, बस ये था आपका। और इन सब में क्या मिल जाता है आपको, नेविगेशन के लिए आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, और हाँ इसमें आपको हजार्ड स्विच भी मिल जाता है, ये देखिए इसको मैंने ऑन किया हुआ है ऑन ऑफ। हाँ और इसमें एक SOS का बटन भी दिया गया है कंपनी की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा है, और इससे आपको मोबाइल कनेक्टिविटी, इसमें आपको कॉल और SMS का अलर्ट भी मिल जाता है जो कि आपको बताएगा कि कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ये टॉप मॉडल में है, बेस वेरिएंट में ये नहीं मिलता ये सब फीचर्स, बेस वेरिएंट का में ये कॉल और अलर्ट और ये सब टर्न बाय टर्न नेविगेशन ये सब चीज़ नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे ABS का मिल जाता है साइन, इंजन का साइन मिल जाता है, तो भाई बढ़िया ये बात हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं, भाई सब कुछ का बात हो गया, बात करते हैं इसका स्विचिंग का और मतलब बिल्ड क्वालिटी का, कि बिल्ड क्वालिटी कैसा है, इतना प्रीमियम बाइक है मतलब हार्ले डेविडसन है और हीरो के साथ टाई अप हुआ है, तो बिल्ड क्वालिटी इसका कैसा है, क्या मतलब कुछ इसमें गड़बड़ है या नहीं है, या कुछ अच्छा है या खराब है, सब कुछ बताते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, तो आपको ये स्विच पैनल मिल जाता है इस तरह का, ये देख सकते हैं, ये मेनू का स्विच मिल जाता है, ये अप्स एंड डाउन्स का स्विच मिल जाता है, ये रिटर्न आने के लिए मिल जाता है, और ये भाई ये हमको सबसे अच्छा लगता है लेफ्ट और राइट करने के बाद ये बीच में जो पुश बटन मिलता है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है, मतलब कि इतना बढ़िया काम करता है हम क्या बताएं। और हॉर्न हॉर्न सुना देते हैं एक बार, तो यह हो जाता है इसका हॉर्न। और क्वालिटी देखा
सकते हैं, कहीं भी आपको गैप नहीं मिलेगा। ये आपको स्टार्ट बटन हो जाता है, ये हजार्ड हो जाता है, ये SOS का हो जाता है, और कहीं भी आपको गैपिंग नहीं मिलेगा। ज्यादातर तो इसमें लोहा यूज किया गया है, ये देखिए ये सब लोहा, ये आपका फाइबर हो जाता है बॉडी, ये आपका लोहा, ये आपका लोहा, ये आपका लोहा, और ये तो लोहा। और ये जो बॉक्सी जो टैंक देख रहे हैं ना, ये 13.5 लीटर का टैंक है। और सबसे बड़ा बात की ये BS7 है, मतलब BS6 फेज 2 का से कंपाइल है, और E20 इथेनॉल ब्लेंडेड है। तो इन फ्यूचर जब भी इथेनॉल आता है, ऐसे तो बहुत जगह मिलने लगा, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, जिसके कारण आपका माइलेज पर थोड़ा सा मतलब पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है यार। और माइलेज इसका 30-35 है, मतलब 35 तक आपको मिल जाएगा। 35 कंपनी क्लेम करती है, 25-30 निकाल लोगे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 25-30 440 सीसी का इंजन है, आराम से निकालोगे। अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में आपको मिल जाता है USD फोक अप्स एंड डाउन, जो आपको कहते हैं अप्स एंड डाउन मिल जाता है, जो कि 43mm का है, जो कि काफी अच्छा रहता है। और अगर यही बात की जाए पीछे की, तो पीछे में आपको मिल जाता है गैस चार्ज प्री लोड एडजस्टेबल ट्विन रेयर सॉक्स टू हैंडल द सस्पेंशन ड्यूटीज इन द बैक। तो बैक का भाई सस्पेंशन बहुत अच्छा है, बहुत बवाल लगा है हमको। तो इसका जो कि है दोनों तरफ आपको सॉक का मिल जाता है, और गैस मतलब ही चार्ज्ड है। और इसको अभी हम राइड रिव्यू इसका अपलोड करने वाले, तो वो भी देखिएगा आप, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है बाइक, कैसा है, अच्छा क्या हमको रोड पे कैसा फील हुआ, पूरा राइड रिव्यू डालेंगे इसका, तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा। और हाँ, ये हार्ले डेविडसन लेना है तो फिर से बता देते हैं, पाटलिपुत्र हीरो में अभी हमें, और यहाँ से आकर के ले सकते हैं आप। यहाँ पे आपको सारा बाइक मिल जाएगा, सब कुछ देख लीजिए कितना सारा बाइक है। सेकंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर वो हो गया, और ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर पे इतना सारा बाइक है। बाहर में आपको टेस्ट ड्राइव वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, बस आ जाइए भाई। सब कुछ का बात हो गया है, अब जो बचा है इसका साउंड, एग्जॉस्ट नोट कैसा है तो वो भी बता दीजिए। तो भाई एग्जॉस्ट नोट हम एक बार आपको सुनाते हैं भाई। और हाँ, एक चीज बताना रह गया, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिलता है ये टॉप मॉडल में, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। तो ये कुछ आपको नॉर्मल न्यूट्रल पे ही आपका साउंड है। अब इसको हम थोड़ा रेस करते हैं, ये इसका एग्जॉस्ट नोट हो जाता है, जो कि बहुत ही बम्पी होता है। और एक मतलब इसको चलाने पे बताएं, जब आप चलाइएगा ना, हम चलाए हैं इसलिए बता रहे हैं, जब आप इसको चलाइएगा तो एक थंप सा फील होगा, मतलब स्वीट सा, मतलब लगेगा झटका पड़ रहा है, वो बम्पीनेस जो आता है ना अंदर से, वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब चलाने पे लगता है कुछ चला रहे हैं। तो ये था इसका पूरा का पूरा रिव्यू, आप उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लगा होगा। चलिए अब वीडियो एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल को ऊपर बेल आइकन दबा दिया सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि चैनल से जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंचे। और थैंक यू। और अगर आपको कोई भी बाइक खरीदेंगे हीरो का, तो मेरा नाम जोड़ लीजिएगा, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज मिलेगा, या कुछ डिस्काउंट तो आपको जरूर मिलेगा। तो आप जरूर मेरा नाम लीजिएगा और मेरे चैनल का नाम लीजिएगा। तो आप लोग को कभी भी कोई भी बाइक लेना है हीरो के तरफ से, तो हीरो और हार्ले डेविडसन दोनों के तरफ से, अगर आपको कोई भी बाइक लेना है तो आराम से आ जाइए यहाँ पे। हार्ले भी आपको मिल जाएगा, हीरो भी मिल जाएगा, बहुत बड़ा इनका आउटलेट है। हम इसका भी सिनेमैटिक टॉक अभी आपको चला देंगे, ठीक है, चला देते हैं। उम्मीद करता आपको सिनेमैटिक शॉट्स पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो आप आके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको सारा मतलब जितना भी डिटेल्स हो सकता था हम सब कुछ दे दिए हैं, जो भी मोटा मोटी था, जो कस्टमर को चाहिए, जो डिमांड है, ये सारी डिटेल्स हम दे दिए। बाकी टेक्निकल्स में जाने से क्या फ़ायदा, जो मेन चीज़ होता है वो बता दी। हाँ, एक चीज़ है इसका फ़ायदा, ये जो गोल वाला मतलब दिया है ना मिरर, ये काफी हमको अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा। ये रेगुलर साइजेस से ये अलग है, और भाई रोडस्टर लुक देता है पूरा, एकदम रेट्रो टाइप का फील देता है, आप चलाइएगा ना रोड पे फील होगा, और बहुत आरामदायक है, हाथ खोल के चला सकते हैं, मतलब हाथ ऐसे करके ऐसे बांधना नहीं पड़ता ना झुकना पड़ता है,
काफी अच्छा है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। सगुना मोड़ पे ये आउटलेट है, इसका सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू पाटलिपुत्रा हीरो फॉर प्रोवाइडिंग दिस ब्यूटीफुल बीस्ट। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। तो बाय बाय, राइट से अंटिल दिस, बाय बाय।